एक कढ़ाई में हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो उड़द दाल, चना दाल और राई डाल देंगे, तड़कने देंगे। दाल लाल हो रहे हैं और राई और जीरा तड़क रही है तो इसमें हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल देंगे, सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, हींग डाल देंगे। मिर्ची भी लाल हो चुकी है तो कटा हुआ पत्ता गोभी डाल देंगे। आँच को तेज रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते हैं। यह एक साउथ इंडियन पोरियल डिश है, इसे पोरियल कहा जाता है तो इसमें कोई भी मसाले नहीं जाते हैं। इसे हम एज अ साइड डिश सब्जी खाते हैं, एज अ सैलेड, तो आप चाहे तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं। इसे मैं बिल्कुल ठंडा करूंगी, इसे ज़्यादा पकाया भी नहीं जाता, इस तरह से रखा जाता है सिर्फ 2 से 3 मिनट में। ये भी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें नमक डालूंगी। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल भी पानी नहीं देखेंगे, अगर मैं इसमें तो यह पानी छोड़ देगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। और इसी तरह मैं इसे साइड में निकाल कर रख लूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम नमक डाल के सर्व करेंगे एज अ सैलेड या एज अ साइड डिश। तो इसे साउथ इंडियन में पोरियल कहा जाता है।